दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली मम्मी हॉरर स्टोरी का पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि शॉन मम्मी और इविल नन को देखकर अंदर भाग जाता है और इविल नन भी अंदर चली जाती है और गुल्ली बुल्ली रॉड और बाबा अंदर झांक कर देखने लगते हैं। तभी मम्मी इनको देख लेती है और ये लोग मंदिर के पीछे आकर छुप जाते हैं, लेकिन इविल नन वहां मॉन्स्टर्स के साथ आ जाती है और मॉन्स्टर्स इन लोगों को पकड़कर दूसरी दुनिया में लेकर चले जाते हैं और तभी वहां मम्मी भी आ जाती है। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। बाबा और गुल्ली बुल्ली चलो जल्दी दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने वाला मंत्र यहां बोलते हैं साथ में, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। और तभी वहां दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल जाता है और गुल्ली बुल्ली बाबा और रॉड उस पोर्टल के अंदर कूद जाते हैं और किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। रॉड, तुमने तो कमाल कर दिया, अगर तुमने अपना दिमाग सही समय पर नहीं चलाया होता तो हम वहां ही लटके रह जाते। तभी बाबा अपनी पावर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। बादल, स्वागत है तुम्हारा यहां पर। गुल्ली कहता है कि बाबा कमाल हो गया, यहां आपकी शक्तियां काम करने लग गई हैं। बाबा अब क्या करना है, शॉन को कैसे बचाएंगे हम? बाबा कहते कि गुल्ली बुल्ली और रॉड, मैं अभी अपनी शक्तियों से किसी को यहां पर बुलाता हूं, वो हमें बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए अब। और तभी बाबा अपने किसी दोस्त को अपनी जादुई दुनिया से यहां पर बुलाते हैं। अरे मेरे दोस्त बॉक्सर, कैसे हो तुम? हमें तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। रॉड कहता है कि बाबा ये मेंढक जैसी शक्ल का कौन है? हा 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 हा, ये आइसक्रीम वाला आदमी कौन है बाबा, इसको बोलो ये चुप ही रहे। अरे शांत हो जाओ तुम दोनों, रॉड ये बॉक्सर है और बॉक्सर ये रॉड है, अभी तुम दोनों मेरी बात सुनो। और बाबा और रॉड बॉक्सर को शॉन के बारे में सारी बात बताते हैं। ये तो बहुत मुसीबत की बात है बाबा, आप एक काम कीजिए, मुझे भी अपने साथ उस मम्मी के पास ले चलो, वहां हम एक साथ उससे लड़ लेंगे। लेकिन बाबा, ये मेंढक वाला आदमी मम्मी से कैसे लड़ेगा? अगर इसने मेरी और बेइज्जती की तो मैं इसको भी मेंढक बना दूंगा। तभी बादल कहता है कि बाबा, मैं अपनी पीठ पर सिर्फ 3 लोगों को ही बिठा सकता हूँ, मेरी पीठ में थोड़ी शिकायत है आज। बॉक्सर कहते हैं कि बाबा, आप गुल्ली बुल्ली के साथ बादल पर बैठकर जाइए और मैं और रॉड एक शॉर्टकट तरीके से आते हैं आपके पीछे। और बाबा और गुल्ली बुल्ली बादल पर बैठकर शॉन के पास जाने लगते हैं। कहाँ है वो शॉर्टकट रास्ता बॉक्सर भाई? बॉक्सर कहते हैं कि हाँ ऐसे बोलो मेरा नाम। चलो रॉड, सबसे पहले अपने दोनों हाथ आगे करो, इसको पहन लो रॉड, जरूरत पड़ने पर ये हमारे काम आएगा। और ये दोनों वहां से जाने लगते हैं और एक गुफा के सामने पहुंच आते हैं। बॉक्सर कहता है कि रॉड, इस गुफा को पार करने के बाद हम सीधा उस मम्मी की दुनिया में पहुंच जाएंगे। और रॉड और बॉक्सर उस गुफा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी इन लोगों को अपने पीछे से किसी चीज की आवाज आती है और जैसे ही ये लोग अपने पीछे मुड़कर देखते हैं तो इनके सामने एक बहुत बड़ी सी स्पाइडर खड़ी थी। ये क्या मुसीबत है बॉक्सर भाई, जल्दी भागो रॉड। और वो स्पाइडर इन दोनों का पीछा करने लगती है और तभी ये लोग आगे आकर एक जगह पर रुक जाते हैं। बॉक्सर भाई, आगे का रास्ता तो लावा का है, अब क्या करें? रॉड, अपना जेट पैक ऑन करो और आओ मेरे साथ। और ये दोनों वहां से उड़ते हुए उस लावा के ऊपर से उड़कर जाने लगते हैं। बाल बाल बचे हम बॉक्सर भाई? बॉक्सर कहता है कि शायद नहीं बचे हम अभी तक रॉड, वो देखो वो स्पाइडर अभी भी हमारा पीछा कर रही है।
और वो स्पाइडर दीवार पर भागती हुई इनकी तरफ आ रही होती है। लेकिन तभी वो स्पाइडर जैसे ही अटैक करने वाली होती है कि तभी उस लावा के अंदर गिर जाती है, और फिर बॉक्सर और रॉड उस गुफा से बाहर मम्मी की दुनिया में पहुंच आते हैं, और वहां बाबा और गुल्ली बुली वहां पर उनका इंतजार कर रहे होते हैं, और फिर ये सभी लोग उस मंदिर के पास में जाने लगते हैं, और ये सभी देखते हैं कि वो मम्मी शॉन को मारने जा रही होती है। बुल्ली कहता है कि बाबा ये मम्मी तो शॉन को मार देगी, बचाइए हमारे शॉन को। तो दोस्तों अब क्या होगा शॉन के साथ? क्या ये मम्मी शॉन को मार देगी या फिर ये लोग शॉन को बचा पाएंगे? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कहानी का पार्ट 4। पार्ट 4 देखने के लिए कमेंट में पार्ट 4 कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि जैसे मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।